दोस्तों भारत में जितने भी गरीब लोग हैं, फकीर हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी हालत अब ऑलमोस्ट एक कीड़े मकोड़े और चींटी जैसी हो गई है ऑफिशियली। जिस तरह से हम कभी चलते वक्त कीड़े मकोड़े चींटियों को कुचल देते हैं अपने पैरों से, हमें पता भी नहीं चलता, बिल्कुल वही हालत हो चुकी है अब हमारे गरीबों की भी। हाँ, अगर आप अमीर हैं या पैसे वाले हैं या फिर एक सेलिब्रिटी हैं, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत हैं तो हर मीडिया आपके लिए आवाज़ उठाएगी, जो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर गरीबों में से हैं तो चाहे आप हज़ारों में भी मारे जाएं, चाहे कोरोना के वजह से हज़ारों मारे जाएं, चाहे किसान आत्महत्याओं की तादाद हज़ारों में हो, चाहे भुखमरी से लोग मारे जाएं, उनकी संख्या कितनी भी बड़ी हो, उनके लिए कोई भी मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी आवाज़ उठाई जाए तो शायद आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। दोस्तों, पूरा दोष हम मीडिया को भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो जनता के लिए आवाज़ उठाता है उनके चैनल्स तो कभी चलते नहीं। जो सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत के इशू पर बोलता है उन्हीं के चैनल्स आजकल चलते हैं। इसलिए मीडिया भी अब मजबूर हो चुकी है कि अगर उन्हें अपना चैनल चलाना है तो इन्हीं कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दों पर डिबेट चलाने पड़ेंगे उन्हें। गरीबों के मुद्दों पर डिबेट चलाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं है, ये हमारी मानसिकता अब हो चुकी है। तो गाइस, ऑफिशियली अब आप हमारे देश के गरीबों को एक कीड़े और मकोड़े बुला सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।